कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए पांवटा प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में वीरवार को पांवटा साहिब के डीएसपी वीर बहादुर और एसडीएम विवेक महाजन ने यमुना बैरियर का निरीक्षण किया। मौके पर तैनात पुलिस जवानों को दिशा निर्देश दिए गए। पांवटा एसडीएम विवेक महाजन ने जानकारी देते हुए बताया कि सिरमौर जिला का पांवटा साहिब सबसे संवेदनशील क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर उत्तराखंड, यूपी आदि राज्य के लोगों की आवाजाही होती है। लोग यहाँ पर गुरुद्वारा में शीश नवाजने के लिए पहुँचते हैं। ऐसे में लोगों की भीड़ से तीसरी लहर का खतरा बढ़ जाता है, जिसको लेकर आज यमुना बैरियर पर सख्ती बढ़ा दी गई है। बिना वैक्सीनेशन पास के किसी को भी एंट्री नहीं दी जा रही है। एसडीएम विवेक महाजन ने बताया कि पड़ोसी राज्य से आ रहे हर छोटे बड़े व रोडवेज बसों को रोककर वैक्सीनेशन पास चेक किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण का खतरा कभी भी बढ़ सकता है। प्रदेश सरकार के आदेशों के बाद यमुना बैरियर का निरीक्षण किया गया, जवानों को दिशा निर्देश दिए गए। वहीं पांवटा एसडीएम विवेक महाजन ने जनता जनार्दन से अपील की है कि जब भी बाजार में निकले तो मास्क पहनकर निकले, जरूरी कार्य हो तभी बाजार में आए, बच्चे और बुजुर्गो को बाजार में कम लाए। आज क्योंकि रिस्ट्रिक्शन शुरू हुई हैं तो मैं मंडल अधिकारी और डीएसपी साहब हमारे वीर बहादुर सिंह, तो हम लोग आज सभी जितने भी नाते हैं उन पे जो है इंस्पेक्ट कर रहे हैं, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जो 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 डायरेक्शंस दी गई हैं हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उनको जो है वो पूरा किया जा सके। और उसमें कोविड की रजिस्ट्रेशन हो चाहे और चाहे डबल डोज वैक्सीनेशन का लगा हो या आरटीपीसीआर हो और कुछ एग्जेम्पशन भी दी गई है, तो उसी को देखने के लिए हम लोग आए। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए पांवटा साहिब से देवान शर्मा की रिपोर्ट। ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए। सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर, शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।